ये बहुत शानदार दुआ है, इसको पढ़ना चाहिए। तीन लफ्ज इसमें आए हैं, अफ, आफिया, मुआफा। तीनों का माना बता देता हूं। अफ का माना है दरगुजर करना। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे ये सवाल करता हूं कि तू मुझे दरगुजर कर दे। अत्तजावुजु अनिज जुनूबी, इसका माना है गुनाहों को मेरे माफ कर दे। नंबर दो, आफिया। आफियत का मतलब क्या है? दिफाउल्लाही अल अस्कामा वल बलाया, यानी बंदे से बीमारियों को खत्म करना और बलाओं को दूर करना। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे आफियत तलब करता हूं, उनका मतलब यह है कि मुझसे बीमारियों को दूर कर दे, बलाओं को दूर कर दे। वल मुआफात, मुआफात का मतलब क्या है? युगनी का अनहुम व युगनी हिम अन का, अल्लाह ताला तुझे दूसरों का मोहताज ना बनाए और दूसरों को अल्लाह ताला तेरा मोहताज ना बनाए। वयस्रिफु अज़ाहुम अनका व अज़ाका अनहुम, और अल्लाह ताला तुझे दूसरों के शर से बचाए और तेरे शर से दूसरों को बचाए। देखिए तीन लफ्ज में कितना गहरा माना है, इसलिए ये दुआ सीख लीजिए, बार बार पढ़िए। रमजान का महीना चल रहा है, इसमें बार बार इस दुआ को पढ़िए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।